भाड़ साहब एक फोटो हटा एक फोटो सर रुक इधर है ना यस सर चल जगीरा को पकड़कर कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है अच्छा लगता है और अच्छा लगता अगर मैंने उसको 2-4 साल पहले पकड़ा होता। क्या है कि कुछ मासूम लोगों की जानें बच जाती ना, वैसा अच्छा लगता है। हमने सुना है जगीरा को पकड़ने में कुछ फौजियों ने आपकी मदद की। कौन बोला है? मैं अकेला था, पुलिस वाले थे पीछे आगे, मैं अकेला था। तो उन फौजियों ने आपकी मदद नहीं की? नहीं रे नहीं, बूढ़े हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो गांव में पड़े रहते। मैं अकेला था। तो इनाम के पैसे भी आप अकेले रखेंगे? हाँ नहीं मतलब कि हाँ, क्या कि पुलिस स्टेशन की जो हमारी बेवाएं हैं, हमारे साथियों ने जो बलिदान दिया है, मैं उसमें बांट दूंगा ना। बाकी का पुलिस स्टेशन की पेंटिंग के लिए, मरम्मत के लिए, पंखे लगवाने 2-3, और उसके बाद अगर कुछ बचा तो मैं रख लूंगा। उसमें क्या हर्ज है। थैंक यू। जय हिंद। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। मुक्ति, वर्दी से गद्दारी करते हुए दिल तो बहुत दुख रहा है, लेकिन क्या करें, तेरा भी तो नमक खाया है, अब 4-6 महीने के लिए हवा हो जा, समझा? ये बात सही बोला थानेदार, पर गलत टाइम पे अगर तैने हमरा साथ ना दिया होता तो ई बखत तेरी कटी हुई खपड़िया के साथ गिद्ध खेल रहे होते। हाँ, गुस्सा करना तो जायज है जगीरा भाई, लेकिन हम तो घर वाले हैं, फौजियों पे निकालो। उन फौजियों के तो हम इतने टुकड़ा कर हैं कि उन्हें उठाना नहीं समेटना पड़े। क्रियाक्रम करवे वाले परेशान हो गए हैं कि सर किसका है और धड़ किसका। चलो रे। कौन पंगा ले इनसे, कोई भरोसा नहीं, कभी भी नेता बन जाए। अच्छा, ये बिजुन कह रहा था कि तुम यहाँ कुछ जमीन में देख रहे हो, यहीं रुकने वाले हो, ये क्या चक्कर है? उस साले बातूनी के पेट में कभी कोई बात रहती नहीं। लेकिन तुम यहाँ करोगे क्या? शहर में भी क्या करूंगा सर, कम से कम यहाँ पर सुकून तो है, और फिर एक नई जिम्मेदारी है लाली की, हो सकता है उसमें अपनी बबली का बचपन देख सकूं। खेतीबाड़ी करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन रहूंगा यहीं। खेतीबाड़ी, इसका मतलब हमें गेहूं और चावल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत दिनों के बाद नौटंकी देखने को मिलेगा। बहुत मजा आएगा। कहां से आ रहे हैं आप लोग? अरे सर, जाके गांव देखिए, क्या जलवा है सर। सर जगीरा क्या पकड़ा गया, गांव वालों की तो दिवाली हो गई, क्या सजाए गांव को पूछे इससे। नाचने गाने का प्रोग्राम भी बना है, भरतपुर से कोई छमिया आई है। तुम क्या कहना चाहते हो? सर छमिया आई है तो फिर नाचना भी पड़ेगा ना सर। जरूर जरूर नाचेंगे गाएंगे। सही है, पूना की 2 टिकट आपकी सर। 2 टिकट कौन जा रहा है मेरे साथ? वो कर्नल पुरी बोले, वो परसों ईद है ना, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ ईद मनाने के। अरे वाह, जरूर जरूर। वो कृष्णकांत हमेशा कहता रहता है कि सईदा बहू शेर कोरमा बहुत बढ़िया बना। शेर कोरमा नहीं पूरी साहब, शीर खुरमा। हाँ वही वही, मैंने सोचा कि मैं भी तो चखूं। क्यों नहीं। लाली कौन है? अरे लाली तो गई। कहाँ गई? शहर गई। शहर? वहाँ बहुत सुखी रहेगी, बहुत सारे पैसे भी कमाएगी। ये देखो मुझे भी पैसे मिले। रामभोर, बता कहाँ है वो? मामा के पास। मामा के पास? बेच दिया तूने उसे? नहीं, खरीद के लेके गए। कहाँ? शेर। कहाँ? बस स्टैंड। कौन सा बस स्टैंड? तू कौन? सरफराज दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? वो लाली को मिलने गया है। बाबूजी, अभी रेडियो
में खबर आई जगीरा जेल से भाग गया है। क्या? देखो, मैंने बोला था ना। सुनिए, आपका आदमी लाली के चाचा को जान से मार डालेगा। क्या? आइए चलो। क्या हुआ? ए क्या हुआ? सरफराज कहाँ है? मत करो, उसने बहुत मार रहा है मेरे को। सरफराज कहाँ है? बस चढ़ गया लाली को लेने गया। लाली? लाली बेटी? क्यों गई लाली बस सब पर? लाली यहीं है सिंह साहब। चाचा ने मुझे सुबह से बात कर रखा है। It's a trap. Let's go. चलो। क्या हुआ सर? चलो हथियार निकालो जल्दी से। जल्दी निकालो। होले पाओ जमीन पे धर फौजी, ओई स्यानपन करो तो खपड़िया के छितरा छितरा उड़ जे हैं। जे बात देखो कैसन कुत्तन जैसन बात मान रहो है हमरी, और उदरी साला हमरी गर्दन पे कटार रख के बोला था खोल दूंगा, हमरी गर्दन पर ही घाव दिया है। क्या करता, 11 जने थे करम के जले और हम एकदम अकेले। नहीं, उस दिन मैंने अकेले ही तेरी गर्दन पकड़ के तेरी नाक जमीन में रगड़ी थी, भूल गया? मेरा बाया हाथ काफी है तुझे मट्टी चटाने के लिए, कुत्ते। अब भी तुझे खोल सकता हूं। आया हा, नीचे आए मत। अबे चुप, करम के चलो। गोली चली नहीं कि करण लगे काए। मिलेगा। पुलिसियों का गोश्त तो कई बार चखाया, आज फौजी का खिलाएंगे बेसल गोश्त। बनाने वाले ने बहुत कम दिया पर क्या करें, एक मिस्टेक कर दिया, खपड़िया को खाली छोड़ दिया रे। अगर खपड़िया में कछु होता तो यहाँ जगीरा से भिड़ने ना आता। अब जरा हम भी देखें कैसे चटाते हो मिट्टी।
नमस्ते। क्या रे, क्या मुजरा हो रहा है? ये क्या, दफना दिया इसको? किसने बोला था इसको दफनाने को? पुलिस के आने से पहले क्यों दफना इसको? इसको दफनाने का नहीं, इसका तो पंचनामा करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि जगीरा ने मारा है कि जगीरा के डर से साला खुदकुशी करके मरा है। ला रे फावड़ा, ला खोद के निकाल साले। पुलिस पे हाथ उठा, देख लूंगा। अब तो हम दिखाएंगे तुझे और तेरे बाप जगीरा को। तेरी खोपड़ी नहीं उतार दी ना, मेरा नाम गुरु नहीं। और जाके कह दे अपने जगीरा से अपनी कब्र खो के रखे, हम लोग आ रहे हैं। साले चार दिन हो गए उन्हें थाने में बंद किए हुए, और जब हमारे हवाले करने का वक्त आया तो पाला बदल रहा है। नहीं, बात ऐसी नहीं, बात यह है कि मामला पूरा मेरे हाथ से ही निकल गया है। अब सरकारी मुलाजिम हूँ, कभी तो ड्यूटी करो कि नहीं। और मैंने उनको इतना मारा है जगीरा भाई कि आपका आधा काम तो मैंने कर ही दिया है। तैने उनके साथ क्या किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बेस साले हमरा शिकार है, और कल सुबह तक देवदुर्ग के चौराहे पे खड़े मिलना चाहिए। अर्जुना जी दादा, तू इस साले के साथ जा, और कोई सियान पर करे तो खपड़िया उतार के रख लियो, बाकी का काम गिद्ध संभाल ले।